फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा तो उन्होंने सोचा होगा कि इससे उनका फायदा होगा, लेकिन जकरबर्ग के लिए ये घाटे का सौदा साबित हुआ। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक में बड़े स्तर पर छटनी शुरू होने जा रही है। कंपनी की ओर से लागत बढ़ने का हवाला देते हुए इसी हफ्ते इसके संकेत दिए गए थे। एक दिन पहले ही कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी थी। अच्छी बात यह है कि कंपनी जिन कर्मचारियों की छटनी कर रही है उन्हें 4 महीने की सैलरी दी जाएगी। मेटा में छटनी का मतलब है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में काम कर रहे लोगों की नौकरी पर भी तलवार लटक रही है। मंदी के साए के बीच काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ा झटका है। इसके अलावा छटनी को लेकर हुई बैठक में मार्क जकरबर्ग काफी निराश नजर आए। उन्होंने कहा वो कंपनी के गलत कदमों के लिए जिम्मेदार हैं और ग्रोथ के बारे में उनके अति आशावादी होने की वजह से ही ओवर स्टाफिंग हुई। बैठक के दौरान उन्होंने कंपनी के वर्कफोर्स में बड़े स्तर पर कटौती की जानकारी भी शेयर की। बीते 5 साल में कंपनी का शेयर करीब 50% तक टूट चुका है। बीते 1 महीने की बात करें तो ये करीब 35% नीचे आ चुका है। वहीं साल भर में इस शेयर ने 73% का नुकसान दिया है। बीते साल 4 नवंबर 2021 को कंपनी का शेयर करीब $338 का था, जो अब गिरकर लगभग $90 के पास आ पहुंचा है। फेसबुक की स्थापना साल 2004 में हुई थी और फिर इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। फिलहाल मेटा में लगभग 87,000 कर्मचारी काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स में 10% से ज्यादा की कटौती कर सकती है। 18 साल में पहली बार फेसबुक में इतने बड़े स्तर पर छटनी की जा रही है। फेसबुक का नाम बदल कर मेटा रखने में मार्क जकरबर्ग को इतना नुकसान हुआ कि कभी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रहने वाले जकरबर्ग अब 29वें पायदान पर आ गए हैं। अब देखना होगा कि जकरबर्ग अपनी कंपनी को फिर से पहली वाली स्थिति में लेकर आ पाते हैं या नहीं। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल।